कानपुर देहात में जिंदा जली मां बेटी मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो घटना के पहले का है, यानी जब मड़ौली गांव में पुलिस प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित की जो झोपड़ी बनी हुई थी उसके बाहर ही एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर शिवलिंग स्थापित था। वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि रूरा थाना प्रभारी दिनेश गौतम चबूतरा तोड़ने से पहले जूता उतारकर उस पर चढ़ते हैं, वो शिवलिंग को प्रणाम करते हैं, इसके बाद उसे हाथ से हिलाने की कोशिश करते हैं, इसके बाद वो मना कर देते हैं। एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद भी वहां पर मौके पर खड़े थे। एसडीएम वीडियो में जेसीबी चलवा का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। जेसीबी ड्राइवर से एसडीएम शिवलिंग को हिलाने के लिए बोलते हैं। जेसीबी ड्राइवर के चबूतरा तोड़ने के बाद नंदी की प्रतिमा खंडित हो जाती है। थानेदार नंदी की प्रतिमा को तौलिया में लपेट कर अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। ऐसी चर्चा है कि उन्होंने एसडीएम से उसे ना गिराने के लिए कहा, लेकिन एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद ने बुलडोजर चालक को सबसे पहले शिव मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो कैसे बुलडोजर चालक को आदेश दे रहे हैं। वायरल ये वीडियो घटना के मौजूद समय से कुछ समय पहले का बताया जा रहा है। आपको बता दें, 13 फरवरी को रूरा थाना क्षेत्र के मावली गांव में कृष्ण गोपाल के यहां तहसील प्रशासन अवैध अतिक्रमण गिराने बुलडोजर के साथ पहुंचा था। अतिक्रमण हटाते वक्त झोपड़ी में आग लग गई थी, इससे मां बेटी की जलकर मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है और बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े कर रहा है।